बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही है। कोई कहता है दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, कोई कहता है पंजाब मॉडल लेकर आएंगे। हिमाचल में केवल एक मॉडल सक्सेसफुल हुआ है और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है, वीरभद्र सिंह मॉडल। और मैं आज इस बात को कहता हूं कौन सा मॉडल है, किस मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस मॉडल की वजह से आज 10 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में खड़े, जिस मॉडल की वजह से हिमाचल प्रदेश आज 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबा हुआ, ये मॉडल था उनका। ऋण लेते रहो और ऋण लेकर के अपना सरकार को आनंद के साथ चलाते रहो। और मॉडल के लिए मैं अगर आगे बढ़ूंगा, उससे आगे बढ़ूंगा तो बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी आप सबको। आज उस दुनिया में नहीं, मैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरा कहना कांग्रेस के मित्रों को जरूर कहना, मेहरबानी करके उस मॉडल का जिक्र मत करें जिस मॉडल को 5 साल पहले हिमाचल की जनता ने खारिज करके फेंक दिया। मॉडल का जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान में आती हैं, कितना वक्त प्रदेश का जाया हुआ, कितना पैसा प्रदेश का कोर्ट कचहरी में जाया हुआ, उस मॉडल का जिक्र मेहरबानी करके मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं मॉडल ये है जो वर्तमान में है। मैं इस बात को मैं नहीं कहता हूं कि मैं ही बेहतर कर रहा हूं, लेकिन हमने उस भाव को समाप्त कर दिया जो आज से पहले जो रिवाज बन चुका था हिमाचल प्रदेश में, एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करते रहो, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र साजिशें करते रहो। इस दौर को हमने समाप्त किया, उस रिवाज को हमने खत्म किया। इसलिए हम कहते हैं कि हमने रिवाज पहले दिन से बदलना शुरू किया है, पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की है। आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि रिवाज बदल करके काम करने की कोशिश।